रूप से तो मैं एक BSNL से जुड़ी वीडियो को लेकर। दोस्तों वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास न्यूज़ के बारे में, तो दोस्तों BSNL की सैलरी के बारे में भी बात करेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि 4G स्पेक्ट्रम की क्या खास न्यूज़ है, क्योंकि पूरा जो सर्विस रुका हुआ है, पूरी जो रुका हुआ है, एक पिलर जैसे खड़ा है BSNL का 4G। अगर BSNL का 4G लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सहूलियत हो जाएगी और BSNL बहुत अच्छे से चलने लगा है। इसलिए ये एक पिलर के सहारे खड़ा है और वो पिलर है एक 4G इसका। तो 4G इसका जल्दी से चालू हो जाए तो जल्दी से ही ये BSNL फिर से अच्छी सिचुएशन में आ जाएगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय से इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है कि टेंडर हो गया नहीं हो गया, हो गया कैंसिल हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो फिलहाल भी एक ऐसी न्यूज़ आ रही है क्योंकि चाइनाज कंपनी ZTE से और नोकिया से सामान खरीदने की बात की जा रही थी कि जो 4G के इक्विपमेंट हैं वो हम ZTE से, यानी जो कि चाइनीज़ कंपनी है, उससे खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी चाइनीज़ माल नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि देश की अभी सिचुएशन ऐसी है, सीमा पर 2 जवान शहीद हुए हैं और एक सैनिक ऑफिसर शहीद हुए हैं। दोस्तों बता दें चाइनीज़ और इंडियन आर्मी आमने सामने हैं, काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब है चाइनीज़ बॉर्डर का। जो चाइनीज़ बॉर्डर पड़ता है उधर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है सियाचिन बॉर्डर की तरफ। तो इसी को देखते हुए चाइनीज़ माल का बहिष्कार किया जा रहा है, चाइनीज़ माल नहीं खरीदा जाएगा। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि पहले तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी वायरल हुआ करती थी बहुत सारे कि चाइनीज़ माल नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चाइनीज़ माल खरीदा ही ना जाए, क्योंकि दोस्तों चाइनीज़ माल जब नहीं खरीदा जाएगा, जबकि इंडिया जो है इम्पोर्ट ही नहीं करा है, यानी जो माल आ रहा है चाइनीज़ या विदेशी जितनी भी कंपनियां हैं, इंडिया में जो है एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा, तो कहां से माल खरीदा जाएगा। ये एक मुद्दा था पहले कि मत खरीदो, लोग तो खरीदेंगे जब सामान इम्पोर्ट हो रहा है देश का। तो अगर आपको रोकना है तो देश में इम्पोर्ट होना ही रोकना पड़ेगा, तभी सामान खरीदना रोका जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी चाइनीज़ माल नहीं आएगा, कोई भी यूरोपीय माल भी नहीं आएगा इंडिया के अंदर। यानी कोई भी मोबाइल, रेडमी वगैरह जो मोबाइल हुआ करते थे चाइनीज़, कोई भी मोबाइल इंपोर्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इंडिया में बना हुआ माल ही खरीदा जाएगा, वो ही माल सेल किया जाएगा, अन्यथा कोई देश का माल सेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि अभी फ़िलहाल देखें तो इंडिया का जो अभी रोक दिया गया है, रोक लगा दी गई है कि सामान नहीं खरीदा जाएगा, तो इससे चाइनीज़ मार्केट में 19% की गिरावट आई है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा एक चाइनीज़ कंपनी जो भी है चाइना के लिए, काफ़ी ज़्यादा झटका है चाइना की इकोनॉमी के लिए, कि 19% काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक आंकड़ा होता है जिसे कि इंडिया ने कर दिखाया। दोस्तों कोई भी माल नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि इम्पोर्ट ही नहीं होने वाला है। और दोस्तों जो 4G का टेंडर था वो भी कैंसिल कर दिया गया है, 4G का टेंडर मेक इन इंडिया से ही सामान खरीदा जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए कि 24 जून उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अगर आप एक वेंडर बनना चाहते हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं ठेका 4G स्पेक्ट्रम लगाने का, तो आप 24 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर फॉर्म इसके अवेलेबल हैं, आप जाके उसको फिल कर सकते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद टेंडर कितने का उठाया जाता है वो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स उसमें आते हैं, कितना ज़्यादा वो लोग बोली लगाते हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों अभी उस जो कैंसिल हुआ है टेंडर, उसका भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर वो लग जाता तो BSNL अच्छे से चलने भी लगता और देश के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जो इसके एम्प्लॉई हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के एम्प्लॉई हैं, यानी BSNL के लिए एक बुरी खबर है और देश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देश की इकोनॉमी इससे बढ़ेगी कहीं ना कहीं और जो BSNL है वो घटेगा, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो जल्दी से खरीद लिए जाते चाइनीज़ कंपनियों से, उसके बाद इसको जल्दी से चालू कर दिया जाता, रिवाइव कर दिया जाता, 4G स्पेक्ट्रम लगा दिया जाता और इसकी सिचुएशन फिर से सुधार में आ जाती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने दिया गया। अब भारत में बनी जितने भी इक्विपमेंट है वही यूज करने होंगे, पता नहीं कब तक का उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों जब 24 अप्रैल तक का टाइम डिसाइडेड हो चुका है तो 24 अप्रैल के बाद काम चालू हो जाना चाहिए, ये एक आंकड़ा कहता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी, कहीं बता रहे हैं लोग कि 1 महीने की सैलरी पे कर दी गई है, कहीं कहीं नहीं की गई, यानी अदर अदर स्टेट में, विभिन्न विभिन्न स्टेट में जो है
विभिन्न विभिन्न प्रकार से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कहीं नहीं की गई है, कहीं कर दी गई है। तो दोस्तों सभी स्टेट में नहीं की गई है, इसलिए आप चिंता की बात ना करें कि मेरा नहीं आया मेरा नहीं आया। अगर सैलरी मिलेगी तो हर एक स्टेट में आपके लिए मिल जाएगी, एक आध स्टेट की सैलरी पड़ भी गई है और कुछ बाकी सैलरी बची है। तो दोस्तों अभी मई की सैलरी के बारे में ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही है, देखते हैं सैलरी कब तक मिल जाती है। हाँ इतना ज़रूर है कि सैलरी जल्दी मिलने के चांसेज हैं, बिकॉज पीके परवार ने ये कह दिया कि सैलरी जल्दी दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों 20 दिन डिले हो चुकी है सैलरी। काफ़ी ज़्यादा ये एक सोचने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि जिन एम्प्लॉय के सहारे BSNL टिका है, BSNL चल रहा है, चाहे जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है लेकिन कर तो रहा है ना, उनकी ही सैलरी नहीं दे पा रहा BSNL, तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। सरकार को इसको सोचना चाहिए, और पीके परिवार हैं जो इसके CMD हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जिन एम्प्लॉय के सहारे BSNL पूरा टिका हुआ है उनकी सैलरी दी जा रही, तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। सैलरी दोस्तों देखते हैं कितने दिन में मिल जाती हैं। पिछली अप्रैल की सैलरी भी डिले कर दी गई थी, वो भी 15 के लिए दी गई थी, उसके बाद ये सैलरी नहीं दी गई है मई की बिल्कुल, और अभी सैलरी का ये सिलसिला कब तक चलता है डिले होने का कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों पहले कह भी सकते थे क्योंकि पहले 1 मार्च से जो 4G स्पेक्ट्रम था वो लगना चालू हो जाता है, ये एक बिल पारित हुआ था, उसके बाद उसको 1 अप्रैल कर दिया गया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तरह तरह की जो है न्यूज़ अपडेट्स इसकी आती रही हैं, और सारी अपडेट इसके लिए ज़्यादातर बुरी ही आई हैं, क्योंकि बार बार टेंडर हो रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा है, बार बार टेंडर हो रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो दोस्तों सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके लिए मिलते रहे हर एक यूजफुल नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।